फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुकबुक। जब भी आपका गर्मी में खाना बनाने का मन ना करे तो 10 मिनट में आप तैयार करें ये खीरे के पराठे और बीटरूट का रायता, हेल्दी के साथ साथ मजेदार भी। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किया स्वादिष्ट खीरे का पराठा। खीरे का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 खीरा। खीरे को हम अच्छे से छील के कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से छील लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे छील के कद्दूकस करके। कद्दूकस कर लिया है खीरे को। कद्दूकस करें तो चेक कर ले कहीं ये कड़वा तो नहीं है, ये तो पूरे पराठे आपके खराब हो जाएंगे। तो चलिए, तो मोटे वाले ग्रेटर से हम खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों खीरे को कद्दूकस कर लिए। तो चलिए अब अगली तैयारी कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे मिक्सी का जग और इसमें ले लेंगे हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता, अच्छे से धो के ले लिया मैंने। साथ ही ले लेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही ले लेंगे हरी मिर्च, आप चाहें तो इन सब चीजों को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में इसी तरीके से दरदरा पीस लेती हूँ। बिना पानी के हम इसे पीस लेंगे, झटपट से काम हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसे ग्राइंड करके। एक बार मैंने पल्स मोड पे चलाया, धनिया पत्ता लहसुन मिर्ची इस तरीके से हमारा पीस के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा ग्राइंड हो गया, बारीक हो गया बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पराठे बनाने के लिए अगली तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पराठा बनाने के लिए ये जो हमने कद्दूकस करके खीरा रखा है इसे एक मिक्सिंग बोल में ले लेंगे। पानी नहीं निकालूंगे मैं, अगर आप गूंद के बनाओगे तो आपको पानी निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आज बिना गूंदे बिना बेले बनाने वाली हूँ। तो चलिए, इंस्टेंट ये बनके भी तैयार होता है, ना गूंदने का झंझट ना बेलने का। साथ ही हम इसमें ले लेंगे ये जो हमने धनिया पत्ता लहसुन और मिर्ची पीस के रखा है, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी क्योंकि अभी मैं रायता बनाऊंगी और बाकी सारा मिक्सचर हम इसी में डाल देंगे। सिर्फ 1 चम्मच मैं बचा लूंगी, 1 चम्मच मैंने रख लिया, बाकी सारा ये धनिया पत्ता लहसुन का मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच में डाल दी लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, खीरे के साथ मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसमें मिलाते हैं बाकी की सामग्री। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी आटा, साथ ही डाल देंगे इसमें 2 चम्मच बेसन, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 2 चम्मच सूजी, आप चाहे यहां मैं 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ आटे और बेसन से भी ये पराठे बना सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से इसमें क्रिस्पीनेस आएगा, तो इसलिए मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि खीरा अभी नमक के संपर्क में आएगा तो वैसे ही वो पानी छोड़ेगा। पहले हम देख लेंगे, फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम पानी मिलाएंगे। तो ये देखिए, थोड़े से पानी की जरूरत लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा फ्लोई होनी चाहिए ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, लगभग 1/2 कटोरी मैंने पानी यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैंने पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। अभी हम इसमें और पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि खीरा अभी हमने डाला है, इसमें नमक डाला है, तो हो सकता है ये और थोड़ा लिक्विड हो जाए, पानी छोड़ेगा खीरा। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार बीटरूट का रायता। तो फ्रेंड्स, बीटरूट का रायता बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक, साथ ही 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार सफेद वाला नमक। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये धनिया पत्ता लहसुन और मिर्ची, ये जो हमने पीस के रखा था, ग्राइंड किया था, तो
इसके साथ ही हम डाल देंगे आधा कटोरी बीटरूट, कद्दूकस करके ले लिया मैंने। आप बीटरूट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच बारीक काट के प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार रायता बनके तैयार होता है, यकीन मानिए। तो चलिए, सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे लगाएंगे तड़का ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। तो चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तड़का लगाने के लिए हम ले लेंगे करछी में एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसमें डाल देंगे एक पिंच हींग, आधा चम्मच डाल देंगे सरसों, आधा चम्मच ही डाल देंगे साबुत जीरा और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इस तड़के से इस रायते का फ्लेवर 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए, तड़का तैयार है हमारा। रायते में डाल दूंगी मैं और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तड़के को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये स्वादिष्ट और हेल्दी बीटरूट का रायता हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बना लेते हैं अब खीरे के पराठे। ये फ्रेंड्स, बैटर मैंने बना के रखा था। ये देखिए, ये इस तरीके का हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। मैंने इसमें और पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ आधा कटोरी पानी ऐड किया है। तो चलिए अब बनाते हैं इसके पराठे। तो पराठा बनाने के लिए मैं ले लूंगी नॉर्मल आयरन वाला तवा। ये तवे को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तवा अच्छे से गर्म हो गया है, हीट को हम मीडियम कर देंगे और बैटर को हम अच्छे से मिक्स करके तवे पे डाल देंगे। धीरे धीरे हम फैला देंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने फैला दिया। तो चलिए इसे अब अच्छे से हम सेक लेंगे। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल साइड साइड में ताकि आराम से निकल के आ जाए। आप इस पराठे को नाश्ते में बनाओ, डिनर में बनाओ, लंच में बनाओ, जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो झटपट से ये खीरे का पराठा बना के तैयार कर लें। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो चलिए अच्छे से हम पराठे को सिकने देते हैं। एक तरफ से जब सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे, इससे पहले नहीं। एक साइड से अच्छे से सिक गया है तो चलिए इसे पलट देते हैं। जब भी और आपने ये पराठा बना के ट्राई किया तो मेरे साथ अपने अनुभव जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा। तो चलिए इसे पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। अब दूसरे साइड भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी साइड सेकते हुए भी 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए दूसरी साइड भी कितना अच्छा सेक के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी पराठे भी हम सेक के तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारा पराठा बनके तैयार है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे पराठे बना लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनता है। फ्रेंड्स, मैं ये खीरे के पराठे सर्व कर रही हूँ बीट रूट के रायते के साथ और पुदीना और आम की चटनी के साथ। आप चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। सिर्फ 2 बूंद तेल में 10 मिनट में ये हमारा बनके तैयार हो गया है प्लेट। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार, साथ ही हेल्दी भी। तो आप इसे इंजॉय करें और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।